हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज के रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों वेज खाना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। सिंपल वेज खाना बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर सामग्री में मैंने ले लिया है दोस्तों उबले हुए आलू, चार बड़े बड़े साइज के आलू लिए थे मैंने। साथ में एक गोभी ले लिया है मैंने दोस्तों। आलू को बॉईल कर लिया, छिलका छील लिया है मैंने, हटा लिया छिलका छील करके, और गोभी को गर्म पानी में नमक डाल करके रख दी थी, और इसको भी छान करके रख लिया दोनों एक साथ दोस्तों। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब चलते हैं, अब इसमें हम सबसे पहले गोभी डाल के फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम गोभी डाल देते हैं। गोभी को इस तरह से फ्राई करने से क्या होता है दोस्तों, सब्जी में अलग टेस्ट आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो गोभी यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। अब इसको एक मिनट तक इसी तरह से हमें चलाते हुए गोभी को तेज आंच में हमें फ्राई कर लेने हैं। तो आज का जो खाना मैं बना रही हूँ दोस्तों, ये गोभी और उबले हुए आलू को मिला करके, तो कल है करवा चौथ दोस्तों, और आज नहाना खाने का है। तो आज का जो खाना बनता है दोस्तों, जैसे हम कुछ त्यौहार करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसके एक दिन हम नहा खाते हैं बगैर लहसुन प्याज का खाना बना करके खाते हैं दोस्तों। तो आज में देखिए गोभी हमारा फ्राई हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अब आलू डाल देते हैं, आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो गोभी जो हमारा फ्राई हो चुका है उसको वही निकाल लेते हैं, और आलू को भी हम एक मिनट तक हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, गोभी को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे। तो आलू को मैंने यहाँ पर दो भाग में कट करके मैंने आलू को बॉईल किया था दोस्तों, और उसको इसी तरह से मैंने अभी फ्राई किया है, उसको फोड़ा नहीं है मैंने आलू को। अब चलते दोस्तों आलू को निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैंने आलू और गोभी निकाल करके रख लिए हैं दोस्तों। तो कढ़ाई में जो तेल बचा है दोस्तों, अब हम बनाना शुरू कर लेते हैं। इसमें और तेल मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इतना तेल काफ़ी है, और जो हमने आलू और गोभी को फ्राई किया उसमें भी काफ़ी तेल है दोस्तों। तो ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, शरीर के लिए सही नहीं रहता है। और यहाँ पर मैंने मसाले में लिया है दोस्तों एक टमाटर, इसको मैंने इस तरीके से काटे लच्छे में छील करके, और तीन हरी मिर्ची, और साथ में यहाँ पर जीरा ले लिया है दोस्तों साबुत, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, काली मिर्च पाउडर ले लिया है, और ये हल्दी पाउडर ले लिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जीरा जो लिया है दोस्तों, जीरा को डाल देते हैं, और जीरा को हम अच्छे से चटकने देते हैं, इसको मिला देते हैं हल्का सा। जीरा हमारा चटक रहा है दोस्तों, यहाँ पर सारा मसाला इस कटोरी में डाल करके हमें इसका एक अच्छा सा हल्का पानी डाल करके घोल लेंगे गाढ़ा टाइप में। सबसे पहले हम मसाला को भूनेंगे दोस्तों। तो मसाला यहाँ डाल दिया, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, और यहाँ पर हम साथ में डाल देते हैं दोस्तों पानी डालने से पहले गर्म मसाला, आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला ले लिया था दोस्तों। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, और इसको हम मसालों को पहले हम घोल लेते हैं अच्छे से। तो मसाला यहाँ पर हमारा अच्छे से मिला मिक्स हो गया है दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे। और जीरा भी हमारा अच्छे से चटक गया है। तो अब हम यहाँ पर मसाला को डाल देते हैं पहले, और मसाला को भून लेते हैं। तो मसाला को इस तरह से हम कमाल में पहले भून लेंगे दोस्तों। तो मैंने पानी ले लिया जिसमें मसाला घोल करके रखा था, अब हम इसमें डाल देते हैं दोस्तों। तो देखिए पानी डाल दिया है मैंने, तो मसाला को हम यहाँ पर भून लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं दोस्तों टमाटर और हरी मिर्च को भी, तो इन सबको भी अच्छे से हम मिलाते हुए मसाला को भून लेते हैं। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें सब्जी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं दो तेज पत्ता दोस्तों, जिसको हम देखिए टमाटर सॉफ्ट भी हो गया दोस्तों। अब इसको हम इस तरह से हम हल्का हल्का दबा देते हैं, अभी नहीं भी दबाऊंगी तो टमाटर अच्छे से
सॉफ्ट हो गए हैं, तो चलते हैं अब हम इसमें सब्जी डाल देते हैं दोस्तों। आलू और गोभी, तो इसको भी अब हम एक से दो मिनट तक इसी तरह तेज आंच में हम भून लेंगे उसको। अभी सब्जी के साथ दोस्तों आज मैं चावल बनाऊंगी, एकदम सिंपल प्लेन चावल बनाऊंगी दोस्तों। इसमें कोई घी कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर एक से दो मिनट हो गए हैं दोस्तों, सब्जी बहुत अच्छे से मसाला भुना गया है सब्जी के साथ, ये देखिए। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बर्तन में पानी ले लिए थे दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ढक करके हम तीन से चार मिनट तक हम इसको मीडियम आँच में हम बनने देते हैं। तब तक हम दोस्तों चावल धो लेते हैं। मैंने ढक्कन लगा दिए हैं दोस्तों, अब इसको बनने देते हैं, तब तक हम चावल को धो लेते हैं। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं दोस्तों, ये देखिए, ये बासमती राइस है दोस्तों। अरीस वाली कटोरी से मैंने दो कटोरी चावल लिया है दोस्तों। अब चावल को धो लेते हैं। चावल को यहाँ पर अच्छे से तीन पानी से धो लिए हैं दोस्तों, अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। मैंने चावल में पानी डाल दिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसका ढक्कन लगा के, हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चावल फूल जाएगा तो अच्छा लगेगा और बनेगा पूरा खिला खिला चावल। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारा लगभग रेडी है दोस्तों, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तीन से चार मिनट हो गए हैं और आलू बॉईल किया हुआ था ना दोस्तों, तो ये आलू उबला तो ही अपने आप फूट गया देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, हल्का से इस तरह से आलू को हम इसी से छोलने से हम इस तरह से फोड़ देते हैं जो बड़ा बड़ा रह गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा आलू रहता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये सब्जी मैं इसी तरह से बना रही हूँ दोस्तों, ये देखिए, इसके ग्रेवी जो है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही पतली है, बहुत अच्छा ग्रेवी है ये चावल के लिए। तो इसको अब ढक करके हम छोड़ देते हैं। इसको ढक दिया दोस्तों, अरे दो से तीन मिनट हुआ है। ये कम आँच वाला मैंने गैस जला लिया है, तो इधर आप कढ़ाई को रख देते हैं एक मिनट के लिए। कढ़ाई को रख दिया है दोस्तों कम आँच में, आप देख पा रहे होंगे। बैठा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि चावल को रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों। चावल का पतीला मैंने बैठा दिया है, अब इसको उबलने देते हैं। यहाँ पर आँच को मैं तेजी रखूँगी दोस्तों, क्योंकि ये चावल आज मैं पतीले में बना रही हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। और यहाँ पर मैंने फ्रेश हरा धनिया कट कर लिया है दोस्तों, ये देखिए। सब्जी हमारी लगभग हो गया है दोस्तों, लगभग क्या, सब्जी हमारी बन करके रेडी हो गए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब ग्रेवी इसका सही है दोस्तों, अब यहाँ पर हम ढक देते हैं इसको और यहाँ पर हरा धनिया डाल देते हैं। ये दोस्तों अब यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर मैं अभी हरा धनिया डाल रही हूँ, ये देखिए सारा हरा धनिया मैंने यहाँ पर डाल दिया है दोस्तों। अब चलते हैं इसको गैस बंद करके ढक करके छोड़ देते हैं। मैंने ढक्कन ढक दिया दोस्तों हरा धनिया डाल करके, अब इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं, फिर आपको हम चावल और सब्जी सर्व करके दिखाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चावल भी तैयार हो गया है दोस्तों, ये देखिए, इसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों। तो चलते हैं, चावल का पानी हम निकाल लेते हैं। तो चावल का पानी मैंने निकाल लिया है दोस्तों, ये देखिए। अब इसको हम गैस पर छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए, गैस बंद कर देते हैं दोस्तों। तो अब आपको मैं खाना परोश करके दिखाती हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज का थाली ले लिया है, अब इसमें हम चावल और सब्जी निकाल के दिखाते हैं आपको। तो चावल को मैंने निकाल लिया है दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक कटोरी रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सब्जी का भी ढक्कन हटा लिया, अब आपको हम सब्जी निकाल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हाथ में मैंने कटोरी ले लिया है दोस्तों, अब निकाल के। तो देखिए दोस्तों,
चावल और सब्जी मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया का गार्निश कर देते हैं। तो मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों, वेज खाना थाली। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।